गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 का ये जेनरिक वर्कशीट यानी जनरल वर्कशीट है, जो कि वर्कशीट नंबर 16 है और ये 24th of July 2021 के लिए है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, राइट। तो चलिए, आज है हमारा स्वच्छता पे, क्लीनलीनेस, ठीक है। तो चलिए इस दो पिक्चर को देखिए, ये एक ये पिक्चर है और एक ये रहा पिक्चर, राइट। तो ये पिक्चर कितना साफ है, कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। और ये कितना कचरा है, यहाँ देखिए डस्ट कचरे वगैरह इधर उधर फैला रखा है बच्चों ने, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें आपको बताना क्या है, जो लुक एट द पिक्चर बिलो, विच टाउन डू यू प्रेफर, आप कौन से टाउन में बेहतर तरीके से रहना चाहेंगे। या तो ये स्वच्छ यानी साफ टाउन में ब्यूटीफुल हो, नीट हो, क्लीन हो, या फिर गार्बेज हो, या फिर आप जो है ना क्या है डर्टी टाउन हो, तो कैसे टाउन में रहना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली मैं इस टाउन में नहीं, इस टाउन में रहना चाहूँगा, और आप भी इसी टाउन में रहना चाहेंगे। तो चलिए, लुक एट द पिक्चर बिलो, विच टाउन डू यू प्रेफर, तो आई प्रेफर क्लीन टाउन, क्लीन सिटी, क्लीन टाउन, राइट। अब आपको ये बताना है डियर स्टूडेंट, इस दोनों में से ये जो आपका बॉक्स है, गिवन बॉक्स, इस बॉक्स से आपको देख करके इन दोनों में फिलअप करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द थीम बाई फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो इसमें जो बॉक्स में गिवन है, इसी वर्ड से हमें इस सभी ब्लैंक्स को फिलअप करना है, राइट। दिस इज ए ब्यूटीफुल टाउन, दिस इज ए ब्यूटीफुल टाउन, कैसा टाउन है, तो ये ब्यूटीफुल टाउन है, राइट। तो ये ब्यूटीफुल टाउन है। द सराउंडिंग्स आर नीट, सराउंडिंग्स कैसा होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ये नीट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एकदम नीट होना चाहिए। सराउंडिंग्स आर नीट एंड क्लीन, क्लीन मीन्स क्या, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, राइट। पीपल यूज डस्टबिन टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, और पीपल को क्या करना चाहिए, डस्टबिन का यूज करना चाहिए ताकि सराउंडिंग्स को क्लीन रखे, साफ रखे, क्योंकि कहा भी गया है स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ शरीर में स्वच्छ आत्मा निवास करती है, यानी जब आप साफ सुथरा रहते हैं, क्लीन रहते हैं, ब्यूटीफुल रहते हैं, नीट रहते हैं, तो आपको पढ़ाई में भी मन लगती है, ठीक है, और मन लगेगी जब आप पढ़ेंगे तो, राइट। अब इस पिक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस टाउन लुक्स वेरी डर्टी, ये टाउन कैसा है, बहुत ही डर्टी है, गंदा शहर है। देर इज ए गारवेज, देखिए ये रहा गारवेज, ठीक है। देर इज ए गारवेज, गारवेज मीन्स कूड़ा करकट होता है, ठीक है। ऑल राउंड द प्लेस, सभी चारों तरफ है। पीपल डू नॉट यूज द डस्टबिन टू थ्रो द गारवेज, और पीपल जो है ना क्या कर रहे हैं, डस्टबिन का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे गारवेज कूड़े कचरे को फेंकने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे डियर स्टूडेंट, हाउ डू यू सराउंडिंग्स लुक्स लाइक, यानी आपका सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, आप कैसे सराउंडिंग पसंद करते हैं और कैसा है, ठीक है। तो आर सराउंडिंग्स लुक्स नीट एंड क्लीन लाइक ब्यूटीफुल टाउन, कैसा, इस ब्यूटीफुल टाउन की तरह हमारा सराउंडिंग्स क्या है, नीट है एंड क्लीन है। तो आप लोग भी अपने सराउंडिंग्स आसपास के जितने भी गार्बेज है, राइट, वो गार्बेज को इकट्ठा ना होने दे, उस डस्टबिन का यूज करें, ठीक है, ताकि आप ब्यूटीफुल लाइफ, क्लीन लाइफ, नीट लाइफ जो है ना आप स्पेंड कर पाए जहां भी हो। अब आइए डियर स्टूडेंट, इसमें जो हाउ कैन यू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, आप अपने सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रख पाएंगे, राइट। लेट अस आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी चलिए इसका आंसर देते हैं और करेक्ट आंसर चुन करके, ठीक है, इस ऑप्शन में से। तो चलिए हम अपने सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन करेंगे। फर्स्ट वन है, ऑल ऑफ अस लाइक टू लीव इन ए क्लीन टाउन, कैसे टाउन में रहना पसंद करेंगे, ना कि डर्टी टाउन, क्लीन टाउन में हम रहना पसंद करेंगे, राइट। नेबरहुड और सराउंडिंग्स कैसा होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट वन है, वी मस्ट प्रैक्टिस बोथ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस, हमें हमेशा जो है ना लोगों को भी कहना है जो साफ सुथरा रखे, स्वच्छ रहे, खुद भी रहना है, हमारे एनवायरमेंट को भी साफ रखना है, राइट।
दिस विल हेल्प अस टू लीव ए हेल्दी लाइफ। ये हमें क्या हेल्प करेगा, हेल्दी लाइफ जीने के लिए, ना कि अनहेल्दी, राइट। एंड फोर्थ वन, वेस्ट और गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन एनी वेयर बट ओनली डस्टबिन। यानी जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा को हमें इधर उधर नहीं थ्रो करना चाहिए, ओनली डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ठीक है। थ्रोइंग गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस विल बी पॉल्यूट द एनवायरमेंट। यानी गार्बेज हम इधर उधर जब फेंक देते हैं किसी भी जगह पे, तो हमारे एनवायरमेंट को क्या करता है, पॉल्यूट कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है, राइट, गंदगी गंदा कर देता है। अब नेक्स्ट वन है डियर स्टूडेंट, कंट्रोलिंग द यूज ऑफ पेपर बैग्स विल हेल्प टू कीप आर सराउंडिंग्स क्लीन। यानी कंट्रोलिंग जो है ना पेपर बैग्स, यानी पेपर बैग का हम यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट, तो वो हेल्प करेगा हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखने में। कैसा, क्लीन। वन शुड यूज रिसाइकल्ड एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइक द पेपर और द जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग। यानी हमें हमेशा हमें खुद भी यूज करना है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, और दोस्तों को भी बताना है, और अपने नेबर्स को भी बताना है, अगर जो हमसे बातचीत होती है, हमें जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी बताना है, जो वी शुड ऑलवेज यूज रिसाइकल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइक द पेपर, जूट बैग, क्या क्या यूज करेंगे, जूट बैग इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक वंस। एंड फोर्थ वन इज, एट वन इज डियर स्टूडेंट, डैश लिटरिंग, लिटरिंग कॉजेज लैंड एयर एंड वेस्ट वाटर पॉल्यूशन। यानी हम इधर उधर कूड़ा कचरा फेंक देंगे, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, लैंड पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज डियर स्टूडेंट नाइन्थ, स्टेइंग क्लीन एंड हेल्दी विल कीप अस सेफ फ्रॉम द डिजीज। यानी हम साफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो हम फ्री फ्रॉम डिजीज रहेंगे, राइट। सो वी शुड कीप द सराउंडिंग्स क्लीन एंड लीव ए हेल्दी हैप्पी लाइफ, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। तो यहाँ पे डिजीज लाइफ नहीं, हैप्पी लाइफ होगा, राइट। सो डियर स्टूडेंट, हमें हमेशा अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करना चाहिए, डैट्स वाई वी लीव हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, राइट। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो लगता है आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो लेट्स बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट।